हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द पूजास किचन। आज मैं आपके लिए हर ओकेजन पे बनने वाली चावल की खीर बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप यदि मेरे रेसिपी देखकर फॉलो करेंगे तो ये आपकी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो आप देखिए मैं इसे कैसे बना रही हूँ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी रेसिपी जब भी आ रही है आपको पता लग सके। तो चलिए खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ एक छोटी कटोरी चावल लिए है, यह लगभग एक मुट्ठी चावल है। चावल का रेशियो हमेशा खीर में, जैसे आप एक लीटर दूध की खीर बना रहे हैं तो उसमें एक मुट्ठी चावल लें, उस हिसाब से रखने से आपकी खीर एकदम परफेक्ट बनेगी। अब इन्हें हम पानी से अच्छी तरह वॉश कर लेंगे ताकि चावल में जो गंदगी है वो अच्छी तरह से निकल जाए। ये देखिए चावल को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इन चावल को हम कुछ देर इसी तरह छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। सोक करने से हमारी चावल की खीर थोड़ी जल्दी बन जाएगी। अब नेक्स्ट हम दूध को बॉइल करेंगे। इसके लिए हमने कढ़ाई में एक लीटर दूध लिया है। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर बॉईल करेंगे। दूध को हमें बहुत अच्छी तरह से बॉईल करना है। ये देखिए दूध हमारा बढ़िया से बॉईल हो गया है। अब इसके अंदर हम चावल डालेंगे और उसे बढ़िया से दूध में पकाएंगे। अभी इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। आप इसे लो फ्लेम पर भी बना सकते हैं, इसमें आप इसे ऐसे भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि आप इसे हाई फ्लेम पर या मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका रहे हैं तो आप इसे बीच बीच में थोड़ा चलाते रहें, जिससे कि हमारी खीर परफेक्ट बनेगी, जलेगी नहीं। आसपास जितनी भी मलाई जम रही है उसे हम निकालते जाएंगे और दूध में मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए दूध में चावल हमारे बढ़िया से फूल गए हैं, लेकिन इसे अभी हमें और पकाना है। अब इसके अंदर हम एक छोटी कटोरी केसर का दूध डालेंगे। इसमें मैंने केसर को पहले ही भिगोने रख दिया था। इसे हम बहुत अच्छी तरह से खीर में मिक्स कर देंगे। केसर डालने से हमारी खीर में फ्लेवर भी अच्छा आएगा और कलर भी अच्छा आएगा। अब इसके अंदर हम कटे हुए काजू डालेंगे और थोड़े से कटे हुए बादाम डालेंगे, थोड़ी सी किशमिश डालेंगे। आप यहाँ पर अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इसे अब हम खीर में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, जिससे कि खीर में हमारे ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और देखिए हमारी खीर कितनी थिक हो गई है, इसमें चावल बढ़िया से पक गए हैं। मैं इसमें आपको चावल को थोड़ा चेक करके दिखाती हूँ। देखिए ये दब रहे हैं, समझिए हमारे चावल एकदम परफेक्टली पक गए हैं। अब इसके अंदर हम एक छोटी कटोरी शुगर डालेंगे। शुगर को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हैं। और इसे हम अच्छी तरह से खीर में मिक्स कर लेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि शुगर का पानी सारा कट नहीं जाता। 5 से 10 मिनट हो गए हैं और शुगर का पानी हमारा बढ़िया से इसमें कट गया है। इस खीर को आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं।
मोस्टली यह फेस्टिवल्स में ज़्यादा बनती है, और इसके बिना आपका कोई फेस्टिवल बनता भी नहीं है। तो इस तरह से आप खीर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। अब इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर डालेंगे और अच्छी तरह से खीर में मिक्स कर लेंगे, और इसे मैं 1 से 2 मिनट तक और पकाऊंगी ताकि खीर हमारी थोड़ी सी थिक हो जाए। और देखिए हमारी खीर कितनी थिक हो गई है, इसका कलर और टेक्सचर परफेक्ट आया है। इसमें दूध और चावल बिल्कुल अलग नहीं लग रहा है, यह परफेक्ट खीर बनी है। आप इतनी गाढ़ी खीर यदि नहीं पसंद करते हैं तो आप इसे ज़्यादा नहीं पकाएं। और खीर हमारी एकदम परफेक्ट बनी है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। और इसे सर्विंग पॉट में निकाल लेंगे। और हमारी हर ओकेशन पे बनने वाली चावल की खीर बनकर तैयार है। इस खीर को बनने में लगभग 45 से 50 मिनट्स लगे हैं। आप इसे गर्मा गर्म खाएं या फ्रिज में ठंडा करके खाएं, आप जैसा पसंद करते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।